नमस्कार दोस्तों, एबीसी हेल्थ टिप्स यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आप अपने भोजन में इन पांच चीजों को या इनमें से किसी भी एक चीज को शामिल करते हैं और अगर आपके पेट में या किडनी में स्टोन यानी कि पथरी की समस्या है तो वह पथरी और स्टोन गलकर मूत्र के रास्ते बाहर निकल जाएगा। और अगर आपके पेट या किडनी में कहीं भी स्टोन नहीं है और आप इन पांचों चीजों को या इनमें से किसी भी एक चीज को अपने भोजन में शामिल करते हैं तो आपको अपने जीवन काल में 99.99% चांस है कि कभी भी स्टोन यानी कि पथरी की समस्या से दो-चार नहीं होना पड़ेगा। बिना झंझट और बिना दर्द के और बिना ऑपरेशन के कैसी भी पथरी हो, शरीर से बाहर निकालने वाले इन पांच खाद्य पदार्थों के बारे में जानने के लिए और इनका सेवन कैसे करना है इस बारे में जानने के लिए आप पूरी वीडियो को बगैर स्किप किए अंत तक देखिए। और अगर यह जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। शरीर से पथरी निकालने वाले इन पांच चीजों के बारे में जानने से पहले मैं आपको बता दूं कि ज्यादा पानी पीने से शरीर में मौजूद सारी गंदगी बाहर निकल जाती है और पथरी होने का डर भी नहीं रहता है। दरअसल किडनी शरीर में एक फिल्टर का काम करती है। जब शरीर में पानी की कमी हो जाती है तो किडनी पानी की कम मात्रा छानती है। इस वजह से शरीर में मौजूद कैल्शियम, यूरिक एसिड जैसी अन्य चीजें शरीर से बाहर नहीं निकल पाते और वे पथरी का रूप ले लेते हैं। आपने भी अपने घर में बड़े बुजुर्गों जैसे दादा दादी या नाना नानी को यह कहते हुए सुना होगा कि सुबह खाली पेट 3-4 गिलास पानी पीने से पेट की सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। अतः सुबह में खाली पेट पीने से पेट या किडनी में पथरी होने का रिस्क बहुत कम हो जाता है। आइए अब जान लेते हैं कि वे पांच चीजें कौन कौन सी हैं जिनके नियमित सेवन से हम पेट और किडनी के स्टोन प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकते हैं। पहली चीज है पत्थर चट्टा। अगर आपके पेट या किडनी में पथरी है तो इसके लिए पत्थर चट्टा के पौधे का एक पत्ता लें और उसे मिश्री के कुछ दानों के साथ पीसकर खा लें। पत्थर चट्टा औषधीय गुणों वाला पौधा होता है जिसका उपयोग किडनी और पेट से जुड़ी बीमारियों के इलाज में किया जाता है। यह सदाबहार पौधा है जो भारत में खूब होता है। आयुर्वेद के अनुसार किडनी में पथरी की समस्या के लिए पत्थर चट्टा को सबसे ज्यादा कारगर माना गया है। यह प्रोस्टेट ग्लैंड और किडनी स्टोन की समस्या से निजात दिलाने में बहुत मदद करता है। दूसरी चीज है बड़ी इलायची, मिश्री और खरबूजे के बीज। किडनी और पेट की पथरी से मुक्ति पाने के लिए रात सोने से पहले एक गिलास पानी में 3-4 बड़ी इलायची के दाने, एक चम्मच मिश्री और थोड़े से खरबूजे के बीज की गिरी निकालकर भिंगोएं। सुबह इसे छन्नी से छान लें और इस तैयार पानी को सुबह खाली पेट नियमित सेवन करने से कुछ ही दिनों में किडनी स्टोन शरीर से बाहर निकल जाता है। आप चाहें तो इस पानी को छानने के बाद बची हुई चीजों को भी खा सकते हैं। तीसरी चीज है आंवला और जामुन। रोज सुबह एक एक चम्मच आंवला और जामुन का पाउडर खाने से पथरी के इलाज में मदद मिलती है। आपको ये पाउडर बाजार में आसानी से मिल जाएंगे। अगर आप चाहें तो इन्हें घर पर सुखाकर भी इनका पाउडर बना सकते हैं। चौथी चीज है पपीते की जड़। गुर्दे और पेट से पथरी निकालने के लिए पपीते की जड़ भी काफी मदद करती है। इसके लिए पपीते की जड़ को साफ पानी में अच्छी तरह से साफ कर लें, फिर 7-8 ग्राम पपीते की जड़ को पीसकर उसे एक गिलास पानी में अच्छी तरह से घोल लें और फिर छान लें। अब रोजाना इस पानी को पिएं। ऐसा करने से पेट और गुर्दे की पथरी गल जाएगी और कुछ ही दिनों में शरीर से बाहर निकल जाएगी। पांचवी चीज है खूब पानी पिए। पथरी पेट में हो या किडनी में, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखें कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। ज्यादा पानी पीने से शरीर में मौजूद पूरी गंदगी बाहर निकल जाएगी और पथरी होने का भी डर नहीं रहेगा। अगर समय पर पथरी का इलाज न किया जाए तो यह गंभीर रूप ले सकती है। अतः अगर इस घरेलू इलाज या इन घरेलू उपायों से अगर आपको कोई फायदा न हो रहा हो तो तुरंत अपने नजदीकी डॉक्टर या चिकित्सक से सलाह लें। उम्मीद करता हूं कि हमारी यह छोटी सी जानकारी आपके लिए जरूर हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्थ टिप्स से संबंधित ऐसा वीडियो देखना पसंद हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।